मुस्लिम जो कॉलेज के विद्यार्थी लोग है स्कॉलरशिप के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन देने लोग आए हैं, विद्यार्थी लोग आए हैं, विद्यार्थी लोग को बहुत लाइन लगे हुए और उसके अंदर मूलभूत सोकर क्या भी नहीं, वहाँ पे पानी नहीं है, शौचालय नहीं है और वहाँ पे जो सुबह 10 बजे आने के बाद शाम को 6-7 बजे तक लोग बच्चे लोग घर को जा रहे हैं। अरे विधानसभा दिखने में सिर्फ है विधानसभा, उसके अंदर सब हौकले है, काम का धंधा का नहीं है, अल्पसंख्यक हमारा है, हम सबको करेंगे, बीजेपी सरकार कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे बोल बोल के। जो बीजेपी वाले कर रहे थे वो कांग्रेस वाले भी आप कर रहे, वो लोग करते बोल के आप कुछ इतना लेके आए, वो आप भी पानी में जाके हमारे को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज हम लोग जय कर्नाटक आरक्षण के तरफ से आज हम लोग जिला अधिकारी मैडम से मिलने आए थे। जिला अधिकारी मैडम को मिलने का उद्देश्य क्या है बोलो तो, जो अल्पसंख्यक जो हमारी मुस्लिम जो स्कूल का कॉलेज का विद्यार्थी लोग है, विद्यार्थी को जो कॉलेज का स्कॉलरशिप के लिए जो अनुदान सरकार से मिलता है उसके लिए एप्लीकेशन भरने के लिए आज कॉलेज के तरफ से वो कार्यक्रम करना रहता है और कॉलेज के तरफ वाले छोड़ के आज जो कंप्यूटर के दुकान वाले को दे के वो कंप्यूटर दुकान वाले को एक दिन का टाइम दिए थे वो लोग एप्लीकेशन का और थम लेना बोल के, और वहाँ पर टाइम कम्प्लीट हुआ से आज वो लोग सब विधानसभा में जो हमारा ऑफिस है, हमारा मैनेटरी ऑफिस है, वो ऑफिस में आके लोग वहाँ पे एप्लीकेशन देने लोग आए हैं, विद्यार्थी लोग आए हैं, विद्यार्थी लोग को बहुत लाइन लगे हुए और उसके अंदर मूलभूत सोकर क्या भी नहीं, वहाँ पे पानी नहीं है, शौचालय नहीं है और वहाँ पे जो सुबह 10 बजे आने के बाद शाम को 6-7 बजे तक लोग बच्चे लोग घर को जा रहे और उसके अंदर गलती हमारा विद्यार्थी का लास्ट क्या हो रहा बोलो तो, स्कूल कॉलेज में जो अब वो लोग का पीरियड चल रहा है वो पीरियड भी लास्ट हो रहा है और उस लोग का टेस्ट चल रहा है, टेस्ट भी बेकर जा रहा है और स्कूल में और कॉलेज में अटेंड भी नहीं हो रहे। कॉलेज वो लोग सुबह उठने के बाद यहाँ पर ही आ रहे और आने के बाद यहाँ पे वो लोग ऐसा परिस्थिति वो लोग देखने के बाद वो लोग डर गए हैं, ये क्या है, हम लोग को इतना स्कूल पढ़ने के बाद भी कॉलेज पढ़ने के बाद भी हमें जो हमें हक मिलना है, हक लिए इतना मेहनत करना है, इतना लाइन पर ठहरना है, सुबह से 4-5 घंटा लाइन ठहरते हैं और लाइन ठहरने के बाद भी वहाँ पे वो लोग ऑफिसर अधिकारी क्या बोलते हैं, सर्वर नहीं है यहाँ पे, अभी थोड़ा देर ठहरो, हम लोग खाने पे जाते हैं, हम खाने के बाद तुम आओ, ऐसे ऑफिसर लोग बच्चे लोग को बोल के और सुबह आने के बाद शाम को बच्चे लोग जा रहे हैं और उन लोगों के साथ वो लोग मम्मी पापा भी वो लोगों के साथ आ रहे हैं यहाँ पे और इतना अभी इतना हमारे को ऐसा शरा मारा है, जितने बच्चे लोग है कॉलेज के बच्चे लोग विधानसभा में कहाँ जाके हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म देना बोल के मालूम नहीं है, क्यों मालूम नहीं है बोलो तो, लोग वो लोग फॉर्म ऑलरेडी बोले भी नहीं है कोई भी, हमारा ऑफिस यहाँ पे विधानसभा में तीसरे माले पे है बोल के किसको मालूम नहीं, वो तीसरे माले चौथे माले पे, तीसरे माले तक भी लिफ्ट जाता है, चौथे माले पे पूरा चलते ही जाना लोग, और बड़े विधानसभा दिखने में सिर्फ है विधानसभा, उसके अंदर सब हौकले है, कच्च भी काम का धंधा का नहीं है और यहाँ पे उत्तर और दक्षिण मैडम, उत्तर वाले मैडम भी एमएलए साहब और दक्षिण एमएलए साहब भी कुछ काम नहीं कर रहे और अल्पसंख्यकों का जे आर चिंसा टीवी में चर्चा चल रहा, जो एग्जाम लोग बच्चों लोग का स्कॉलरशिप के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों लोग का एप्लीकेशन के लिए सुबह गए तो शाम तक है, सर्वर नहीं है और स्कूल का कॉलेज का वो ऑफिस भी मालूम नहीं है बोले तो भी एक भी, और दक्षिण एमएलए और उत्तर का एमएलए एक बार भी कचहरी को आके वहाँ अपने विद्यार्थियों को क्या प्रॉब्लम हो रहा, उसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा, क्यों अपने स्कॉलरशिप भरने के लिए इतना कष्ट ले रहे बोल के एक भी विजिट नहीं मारे, और सिर्फ वो लोग विधानसभा बेंगलुरु गुलबर्गा से बेंगलुरु जाने के लिए टाइम है और यहाँ पे आके वो लोग ऑफिस लोग को आके पब्लिक का जो समस्या है, पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है वो सुनने को वो लोग कान भी नहीं, भेड़ा है वो लोग अब भेड़े हुए हैं, इलेक्शन जीतने के बाद भेड़े हुए, सिर्फ वो लोग को सपना क्या है बेंगलुरु जाना, बजट लाना, सब घर भर लेना बोल के काम चालू है और जब हम लोग जितना दिन थे अपने सबको बोलते थे अल्पसंख्यक तो हमारा है, हम सबको करेंगे, बीजेपी सरकार कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे बोल बोल के, जो बीजेपी वाले कर रहे थे वो कांग्रेस वाले भी आप कर रहे हैं, अब वो लोग करते बोल के आप कुछ इतना लेके आए, वो आप भी पानी में जाके हमारे को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बड़ा आगे इसको खंडाने करते हैं, आप 28 तारीख का टाइम है, लास्ट डेट है, इसको टाइम बढ़ाना है, अगले महीना 15 तारीख तक इसको टाइम बढ़ाना है, आप नहीं टाइम बढ़ाएंगे तो हम बड़ा स्ट्राइक करना पड़ता है और यहाँ 26,000 विद्यार्थी लोग है, पूरा 26,000 लोगों का विद्यार्थी लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना और थम लेना, हर चीज का प्रॉब्लम नहीं होना, हर चीज का विद्यार्थी का क्या समस्या पूरा होना, अगले तक अब 15 तारीख तक आप लोग टाइम नहीं दिए तो 28 तारीख बंद करें बोलो तो, हम आगे का स्ट्राइक ऐसा करेंगे, ये कर्नाटक नहीं भारत देश में चर्चा होना।
करना, इतना बड़ा स्ट्राइक हम लोग करेंगे। और जितना लोग अपने हमारे बहन लोग आए पे अपने एप्लीकेशन देने के लिए जो अल्पसंख्यक है, वो लोग सबको वहाँ पे पहले पानी का और शौचालय का अब करना है। और जितना जल्दी होता आप सर्वर ने वो नहीं खाने को जाते वो लोग ऑफिसर वाले नहीं करना भी, आप लोग जितना जल्दी होता उतना जल्दी बच्चे लोग को फ्री करके छोड़िए, वो लोग भी कॉलेज जाना है और बच्चे लोग को भी आगे पढ़ना है। तो ये साल ऐसा करे, अगले साल से मैं सरकार को विनंती करता हूँ, अगले साल से आपकी जो आपकी कॉलेज का जिम्मेदारी हो कॉलेज जिम्मेदारी वाले को कॉलेज वाले प्रिंसिपल को दे दो एप्लीकेशन जो थम है वो कॉलेज में करना बोल के मैं आपका सरकार को विनंती करता हूँ। और आज मैडम को मैं मनवी देने आया था, जिलाधिकारी मैडम बेंगलुरु गए वहाँ पे जो विधानसभा में तहसीलदार हमारे मनवी लिए हुए, मंडे के दिन आके हम मैडम को मिल के आगे का हम 28 तारीख का 28 तारीख से आगे टाइम बढ़ा क्या नहीं देखते, आप नहीं बढ़ा बोलो तो हम गुलबर्गा में जय कन्नड़ रक्षण वेदी के तरफ से हम जय कर्नाटक रक्षण वाली के जय कन्नड़ रक्षण वाली के हम कोई जात पात नहीं देखते, हमें सिर्फ जिसका अन्याय होता जो प्रॉब्लम में रहते और जो तकलीफ में रहता सरकार और MLA किसका नहीं सुनते उसका विरोध होराटा करना हमारा संगठन का एक कानून है, फर्ज है और हमारा कर्तव्य है। हम लोग आज 4 दिन से TV में देख रहे थे ऐसा हमारा गुलबर्गा में अल्पसंख्यक का और इतना बड़ा इश्यू हो रहा था, कोई हम लोग आवाज नहीं उठा रहे थे, आवाज सब लोग उठाना है, जब लोग तकलीफ का साथ देना है। आज हम लोग का बहन लोग को ऐसा अन्याय हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग होराटा करने के लिए आज मनवी देने आए। 28 तारीख का टाइम आगे 15 तारीख तक नहीं बढ़ाएंगे तो डेट नहीं बढ़ाएंगे तो आगे हम जय कन्नड़ के तरफ से होराटा करने के लिए तैयार बोल के हम सरकार को एचआरके दे रहे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।